नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस पे, ओम नमो नारायण पे। मित्रों, आज हम आपके लिए सिर्फ आप ही सबकी फरमाइश पर गुंजा से होने वाले तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र मंत्र साधना, उपचार लेकर आए हैं। मित्रों, आप सभी की फरमाइश थी कि गुंजा से होने वाले प्रयोग बताएं, गुंजा से होने वाला वशीकरण बताएं, या गुंजा से होने वाले जो भी तांत्रिक क्रियाएं हैं वो हमें बताएं। मित्रों, हमें बहुत से लोगों के मैसेज, बहुत से लोगों के ईमेल आए कि गुंजा को अभिमंत्रित कैसे किया जाता है। वो आज तक किसी ने नहीं बताया कि उसको अभिमंत्रित करने की विधि क्या है, ऐसा कौन सा मंत्र है जो गुंजा को शुद्ध और अभिमंत्रित दोनों ही कर सकता है। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि गुंजा होता क्या है, क्योंकि हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जिनको ये नहीं पता कि गुंजा क्या होता है। तो उनके लिए बता दे कि गुंजा एक लता का बीज होता है। इसको अगर आप इंग्लिश में कहें तो कोरल बीड। मित्रों, तीन तरह की गुंजा होती है और तीनों का अपनी अपनी जगह में अपना अपना एक अलग ही चमत्कार है। देखिए मित्रों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, एक है लाल गुंजा, एक है काली गुंजा और एक है सफेद गुंजा। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन तीनों गुंजा के अलग अलग जो चमत्कार हैं वो विस्तार पूर्वक बताएंगे। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि लाल गुंजा के क्या फायदे होते हैं, किस किस कार्य में इसका उपयोग होता है, किस किस कार्य में किस प्रकार से इसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। मित्रों, इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस और ओम नमो नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप रोजाना हमारी नई नई वीडियोस आसानी से देख सकें, ऐसी जानकारी आसानी से पा सकें। अब आपको बताते हैं मित्रों, सबसे पहले लाल गुंजा के फायदे। मित्रों, अगर विवाह की बात करें तो विवाह के दिन लाल गुंजा के 21 दाने किसी धागे में, किसी ब्रेसलेट में, किसी कंगन में पिरोकर अगर वर या वधु दोनों को पहना दिए जाएं, तो यह भी एक तंत्र का प्रयोग करता है। इससे दोनों की सुरक्षा, समृद्धि, नजर दोष, सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही शुभ फल मिलेंगे। मित्रों, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन अगर लाल गुंजा के 5 दाने किसी ताबीज में भरकर उसे अभिमंत्रित करके पुत्र की चाह रखने वाली स्त्री की कमर में पहना दिया जाए, तो इससे उनकी पुत्र की चाह बहुत ही जल्द पूरी होती है। मित्रों, इसी लाल गुंजा का प्रयोग वशीकरण के लिए भी किया जाता है। मित्रों, अगर वशीकरण के लिए इसका प्रयोग आप करना चाहते हैं तो इसके लिए ग्रहण काल, होली, दिवाली, पूर्णिमा, दशहरा, अमावस्या, इन सभी की रात्रि में ही करना चाहिए, उसका बहुत फलदायक असर होता है। मित्रों, जैसा कि अभी हम आपको बताएंगे कि इसको अभिमंत्रित कैसे करना है, तो 5 गुंजा के दाने लेके, लाल गुंजा के, उसे अभिमंत्रित करके एक मिट्टी के दीपक में शहद भर लें। शहद भरने के बाद वही 5 दाने उस मिट्टी के दीपक में उस व्यक्ति को याद करते हुए
उसका ध्यान मन में करते हुए वो 5 अभिमंत्रित दाने शहद में छोड़ दे और उस शहद को 5 दिन के लिए किसी ऐसी जगह पे रखे जहां उसकी शक्ति पूरी प्रबल रहे, मतलब कि ऐसी जगह पे हो जहां किसी की टोक ना लगे, जहां किसी का हाथ ना लगे और जहां किसी का भी साया उस पे ना पड़े। मित्रों, इन 5 दिन आपने उसके लिए कामना करनी है कि वो आपसे वशीभूत हो जाए और 5वें दिन इस शहद वाले दीपक को ले जाकर किसी भी सुनसान जगह पर मिट्टी में दबा दें। कुछ ही दिनों में आप खुद इसका असर अपनी आंखों से देखेंगे। मित्रों, इसका एक दूसरा प्रयोग भी किया जाता है। 5 लाल गुंजा के दाने लेकर उसे अभिमंत्रित करें और अभिमंत्रित करके उस गुंजा के दानों से अपनी मनोकामना मांगते हुए जिस व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हैं उसकी जेब में डाल दें। जब तक वो दाने उसकी जेब में पड़े रहेंगे तब तक वो आपसे वशीभूत रहेगा। मित्रों, इसी तरह से अगर लाल गुंजा की माला गले में धारण की जाए तो ये सर्वजन मोहित का काम करती है। जो भी व्यक्ति इस माला को देखता है वो आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस लाल गुंजा की माला को धारण किया करते थे। मित्रों, ये उन व्यक्तियों के प्रयोग में आती है जो व्यक्ति किसी सभा में जाते हैं या फिर अधिक व्यक्तियों को एक साथ मिलते हैं या कोई व्यक्ति कहीं पे भाषण देता है, अपनी बात सभा में रखता है, उन व्यक्तियों के उपयोग में यह लाल गुंजा की माला बहुत ही लाभदायक होती है। मित्रों, अब बात करते हैं कारोबार की। अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं होती या फिर कोई नौकरी करते हैं तो घर में पैसा नहीं बचता, उसके लिए मित्रों किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को, ध्यान रखिएगा, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को 6 लाल गुंजा के बीज लेने हैं आपने। 6 लाल गुंजा अभिमंत्रित की हुई, 1 तांबे का सिक्का लेना है और सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे से पहले पहले, इस दौरान मतलब 11 से 2 के बीच में किसी भी सुनसान जगह में जाकर 11 बार अपने ऊपर से उसार ले, उसे एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतार ले और फिर थोड़ा सा गहरा गड्ढा करके वो गुंजा और तांबे का सिक्का उस गड्ढे में दबा दे। ऐसा आपको 11 बुधवार तक करना है। फिर देखिएगा, जिंदगी भर कारोबार में बरकत रहेगी और घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। अब इसी प्रकार से जानते हैं मित्रों सफेद गुंजा के फायदे। मित्रों, सफेद गुंजा का प्रयोग ज्यादातर शुभ कामों में किया जाता है। इस गुंजा से ज्यादा इसकी जड़ का प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे, आपके घर में गणपति का वास रहे, सब प्यार मोहब्बत से रहे, तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, ध्यान से सुनिए, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सफेद गुंजा के 11 दाने लेकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा के स्थान पर रखिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों में प्रेम मोहब्बत बनी रहेगी, घर में हमेशा गणपति का वास रहेगा। मित्रों, सफेद गुंजा का प्रयोग दिवाली की पूजा में भी किया जाता है। दिवाली वाले दिन अगर आप
ऐसी पूजा करना चाहते हैं कि पूरे वर्ष आप पे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, चारों दिशाओं में आपका नाम हो, जहां जाएं वहां आपकी विजय हो। तो ये छोटा सा टोटका आपको आज स्वामी जी द्वारा बताया जा रहा है मित्रों। 5 सफेद गूंजा के दाने और 11 लाल गूंजा के दाने और नाग केसर, ये तीनों चीजें धनतेरस वाले दिन एक डब्बी में बंद करके रख दे और दिवाली के दिन पूरे विधि विधान से इसकी पूजा करें, तो पूरे वर्ष देखेंगे मित्रों आप पर हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, आपका नाम हर जगह में होगा, जहां जाएंगे आपकी विजय होगी। मित्रों अगर आपको शत्रु का भय रहता है, आपको एक अजीब सा डर बना रहता है कि कोई आपका शत्रु है वो आपको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, तो उसके लिए 7 दाने सफेद गूंजा के ले, उसे किसी सफेद कपड़े में बांध कर ओम नमो अग्नि रूपाय ह्रीम नमः, यह मंत्र वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है मित्रों, वहां से भी देख सकते हैं। ओम नमो अग्नि रूपाय ह्रीम नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करके अपने सिरहाने रखकर उस गूंजा को सो जाएं। ऐसा तब तक करें जब तक आपको शत्रु भय खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपको पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो जाता कि वह व्यक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब बात करते हैं मित्रों काली गूंजा के बारे में। मित्रों काली गूंजा हमेशा तांत्रिक क्रियाओं में अपनी एक अलग ही भूमिका निभाती है। मित्रों काले रंग की गूंजा बहुत ही खास मानी जाती है। जिस भी व्यक्ति के पास यह गूंजा होती है, अगर उस पर कोई मुसीबत आने वाली हो तो इसका रंग सफेद होने लगता है। मित्रों होलिका दहन में ओम ह्रोम जून सह मंत्र जाप करते हुए अग्नि की 11 बार उल्टी परिक्रमा कर लें और हर परिक्रमा पर एक गूंजा अपने ऊपर से उतार कर अग्नि में फेंक दें। इससे जो भी आपके शरीर में रोग होगा वो उसी वक्त नष्ट हो जाएगा। मित्रों दिवाली वाले दिन 11 दाने काली गूंजा के अपनी दुकान के गल्ले में या जहां और कहीं आप पैसा रखते हो या तिजोरी में, वहां इन दानों को रखें और 5 माला दिए जाने वाले मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम एन ह्रीन विजय वरदाय देवी मम। मंत्र वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद रोजाना महालक्ष्मी के आगे दीपक जगाएं। इससे आपके व्यवसाय में आने वाली जो भी रुकावट है वो सब खत्म हो जाएगी। मित्रों अगर आपको कहीं से काली गूंजा की माला मिल जाए तो और भी उत्तम है। इस काली गूंजा की माला पहनने वाले के करीब कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी मुसीबत, जैसे कि व्यवसाय में एकदम नुकसान हो जाना, अगर आपका मशीनी काम है तो बार बार मशीन का खराब हो जाना, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो नौकरी सही चलती नहीं, 1-2 महीने काम होता है और फिर एकदम बिना किसी वजह के नौकरी का छूट जाना, ये सब अधिक हद तक रुक जाएगा। मित्रों जिस भी व्यक्ति ने यह काली गूंजा की माला धारण की हो उसके निकट कोई भी काला जादू टोना टोटका इतनी आसानी से नहीं आ पाता। मित्रों बड़ी उम्र के जो लोग हैं और सपने में उनको डर लगता है, या जिन्हें सपने में हमेशा ऐसा लगता है कि कोई उनका गला दबा रहा है, कोई उन्हें जान से मार देना चाहता है, उस व्यक्ति को गूंजा की माला या ब्रेसलेट
धारण करना चाहिए। मित्रों, अगर आप किसी दुष्ट के सताए हुए हैं या कोई व्यक्ति बिना वजह आपको परेशान करता है, तो यह काली गुंजा उसका घर तोड़ने में, उसके घर कलेश डलवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मित्रों, रविवार या मंगलवार के दिन 5 दाने काली गुंजा के इस कामना से उसके घर में फेंके कि हे गुंजा, आप मेरे कार्य की सिद्धि के लिए इस घर परिवार में कलह कलेश उत्पन्न करवा दो। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में बिल्कुल ऐसा ही होगा, उस घर में हमेशा कला कलेश रहेगा। मित्रों, ऐसा अपने निजी स्वार्थ के लिए या फिर किसी का बुरे के लिए ना करें। मित्रों, अब आपको स्वामी जी द्वारा बताते हैं गुंजा को अभिमंत्रित करने की विधि, गुंजा को कैसे अभिमंत्रित किया जाए। मित्रों, अगर आप सफेद गुंजा को अभिमंत्रित करना चाहते हैं, तो किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन लाल आसन पर बैठकर सुबह के समय स्नान आदि करके अपने हाथ में गुंजा के दाने रखकर 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। और अगर आप लाल या काली गुंजा को अभिमंत्रित करना चाहते हैं, तो अमावस्या, ग्रहण काल, होली, दीपावली, दशहरा, पूर्णिमा, इन दिनों रात्रि में खुले आसमान में बैठकर काला वस्त्र जमीन पर बिछाकर 108 बार इसी मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम उड़ा मरेश्वराय सर्व जग मोहनाय अन आन इन ई उन ऊन रिन रिन पट स्वाहा। मित्रों, 108 बार इस मंत्र का जाप करके गुंजा पर फूके वह सिद्ध हो जाएगी, वह अभिमंत्रित हो जाएगी, और यही मंत्र उस गुंजा को शुद्ध करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में बताए गए जितने भी मंत्र हैं, वह सभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएंगे। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप स्वामी जी द्वारा अभिमंत्रित गुंजा के बीज, गुंजा की माला, गुंजा का कलावा यानी ब्रेसलेट अभी अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। मित्रों, ऑर्डर बुक करवाने के लिए सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक ही फोन करें। स्वामी जी द्वारा किसी भी प्रकार की मुफ्त सलाह के लिए सिर्फ शनिवार को ही फोन करें, सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस और ओम नमो नारायण को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, ओम नमो नारायण।